पूर्णिया के रामबाग स्थित सांसद कार्यालय में पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर हालिया संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूर्णिया लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर है और विकास व जनहित से जुड़े मुद्दे को वे लगातार न केवल संसदीय पटल पर उठाते रहे हैं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर विकास कार्यों में पूर्णिया की भागीदारी सुनिश्चित कराने की दिशा में पहल भी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क और पुल पुलिया निर्माण की दिशा में हम बेहतर स्थिति में हैं और ऐसे इलाके में भी उनके कार्यकाल में सड़कों का निर्माण हुआ है जहां पैदल चल पाना भी कठिन हुआ करता था। बहरहाल 350 किलोमीटर सड़क और 50 पुलों का निर्माण पाइपलाइन में है। बताया कि पूर्णिया शीघ्र ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा जिसके बाद पूर्णिया पटना की दूरी महज 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। व्यवसायियों की मांग पर बाजार समिति गुलाबबाग के कायाकल्प की घड़ी सामने आ रही है जहां लगभग 100 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य होगा और खास बात यह है कि यहां किसानों को भी कई तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण बात हम रखना चाहते हैं जो पूर्णिया के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। एक तो सबसे पहले पटना से पूर्णिया के लिए पटना से बिद्दूपुर होते हुए दलसिंह सराय से सिमरी बख्तियारपुर और सिमरी बख्तियारपुर से पूर्णिया भारतमाला परियोजना के तहत ग्रीनफील्ड फेज टू में अभी डीपीआर स्वीकृति के लिए और लैंड एक्विजिशन के लिए निविदा की प्रक्रिया के लिए जो उसका डीपीआर बनेगा उसका टेंडर की प्रक्रिया हो गया है। मुझे लग रहा है दो से तीन हफ्ते में डीपीआर का टेंडर हो जाएगा और एक वर्षों में उस पर लैंड एक्विजिशन का काम और डीपीआर निर्माण का काम हो जाएगा और पूर्णिया के लिए ग्रीन फील्ड है जो एक बहुत बेहतरीन सड़क का निर्माण होगा और इस सड़क के निर्माण होने से पटना की दूरी भी कम हो जाएगी और मुझे लगता है कम से कम 70 से 80 किलोमीटर इसकी दूरी घट जाएगी और पूर्णिया से पटना जाने के लिए 3 से 3.5 घंटे में हम पटना पहुंच जाएंगे। और यह रोड का जो खासियत होगा इसमें जो जिस तरीके से हम आगरा पे चलते हैं आगरा रोड पे चलते हैं एक्सप्रेसवे हाईवे पे चलते हैं और उसी तरीके से इसका निर्माण होना है और इसमें जो अभी तो एक टेंटेटिव ही आंकड़ा लगाया जा सकता है 1500 करोड़ से भी अधिक का लागत आएगा इसमें और यह पूर्णिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क होगा और उत्तर बिहार के लिए काफ़ी लाभदायक सड़क साबित होगा। पहले तो यह सड़क सिमरी बख्तियारपुर तक के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने सहमति दिया था, फिर हम लोगों ने लगातार इस पर निरंतर प्रयास करके लोकसभा के अंदर और व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी से मिलके और उन्होंने एक पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी दी कि मैं इसका विजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करा रहा हूँ, उसके बाद वो इसको डीपीआर के लिए स्वीकृति दिए और निश्चित रूप से हम सबों के लिए यह सड़क का निर्माण जब हो जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत ही एक सुखद पल होगा जब पूर्णिया से पटना हम 3.5 घंटे में पहुंचेंगे और इस होगा इस तरह का जो एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण इसमें जिसका ये है कि इसमें से जो हमारी सड़क में के साइड में जो ब्रांच सड़कें पड़े इसमें बहुत हर जगह से एक्सेस नहीं मिलेगा ताकि जो एक्सप्रेसवे का कंसेप्ट है वो इसमें फुलफिल किया जा सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है।
दूसरा हमारा गुलाबबाग जीरो माइल पे हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, इसके लिए भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय पहले ही इसका माननीय मंत्री जी ने मुझे जानकारी भी मिले थे तो जानकारी दिए थे, उसका भी DPR का काम चल रहा है। तो जो NH-57 से लेके हमारा NH-31 खगड़िया जाने के लिए है, इस पर फ्लाईओवर बन जाएगा तो गुलाबबाग जीरो माइल पे जाम की समस्या का निदान हो जाएगा, स्थायी निदान हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा? इस गुलाबबाग जीरो माइल पे बनेगा फ्लाईओवर, जो 4 लेन है पाना अपना, 4 लेन पे फ्लाईओवर हो जाएगा ताकि जो गाड़ियाँ हैं डायरेक्ट वो चली जाएगी तो जीरो माइल पे जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। ये 2 महत्वपूर्ण भारत सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय से हम लोगों को 2 चीज़ों की स्वीकृति मिला है, इसके लिए हम केंद्रीय परिवहन मंत्री जी को हम बधाई भी देना चाहते हैं। क्या हम लोगों की मांग को उन्होंने गंभीरता से सुना और इस पिछड़े इलाके के लिए ये 2 योजनाओं को भी फिलहाल स्वीकृति दिया गया है। उसके पहले तो कई योजनाएं चल ही रही है जो आप सभी जानते ही हैं। पूर्णिया से साहबगंज चल रहा है, पूर्णिया NH-107 से सहरसा होते हुए वो चल रही है, तो बड़ी बड़ी योजनाएँ चल ही रही हैं। दूसरा हमारा था पूर्णिया में, मुझे लग रहा है कि बिहार में सबसे अधिक योजनाओं को भी हम लोग टेकअप कराने में कामयाब हुए हैं। टेकअप ही नहीं, वो स्वीकृत होके 80% योजनाएं निविदा हो गई है, कुछ पे कार्य प्रारंभ है। लगभग 320 किलोमीटर का भी हमें मुझे स्वीकृति मिला और जिसका निविदा हो गया है, जिसकी लागत कॉस्ट 350 करोड़ की लागत से जो 10 वर्ष से अधिक का मेंटेनेंस का सड़क था, उन तमाम सड़कों का चयन किया गया है ताकि जो सड़क 12 फीट है और सभी सड़कों को 18 फीट किया जा रहा है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, तो ग्रामीण पथों को भी 12 फीट से 18 फीट हम लोग प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3 के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों को 49 हाई लेवल ब्रिज की भी स्वीकृति मिली है, जिसका निविदा भी 30 से अधिक ब्रिजों का निविदा हो गया है और जो 17-18 ब्रिज बचे हैं वो निविदा की प्रक्रिया में है। तो मुझे लग रहा है कि ये जब सड़क और ब्रिज हम बना लेंगे तो जो मरम्मत की स्थिति है गांव के अंदर में वो बेहतर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भी सड़कों का जाल बिछा हुआ है, एक एक पंचायत में नीतीश जी के शासन में 2005 के बाद आज तक में कोई पंचायत नहीं बचा जहाँ पे अब कच्ची सड़कें बची हैं। कोई 1-8% सड़कें बची है जिसको हम लोगों को ढूंढ ढूंढ के बनाना पड़ रहा है। राज्य की सरकार उसमें निरंतर विभाग के इंजीनियर के माध्यम से योजनाएं चलाकर वैसे सड़कों को भी बनाया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से था उसको 12 फीट के जगह 18 फीट हम लोग कर रहे हैं, और जिसमें हम लोगों का 320 किलोमीटर 350 करोड़ की लागत से उसका निर्माण होना है और ब्रिज है जो 100 करोड़ से अधिक के लागत से उसका निर्माण होना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पूर्णिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य हो रहा है। और तीसरा हम लोगों का कि बिहार में पहला जो बाजार समिति है हमारा गुलाबबाग, ये मॉडल के रूप में 100 करोड़ की निविदा, 99 करोड़ कुछ की निविदा से अभी इसका निविदा हुआ है और 10 से 15 दिनों में निविदा निष्पादित हो जाएगा। फिर उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग की इच्छा है कि उसका शिलान्यास भी कराएंगे, जो किसानों के हित के लिए वहाँ पे वेयर हाउस का निर्माण, गद्दी का निर्माण, किसानों के लिए शेड का निर्माण, सड़क का निर्माण, ड्रेन का निर्माण, लाइट बत्ती का निर्माण, किसानों के लिए रेस्ट रूम, किसानों के लिए शौचालय का निर्माण, तमाम तरह की सुविधाएं। और बिहार में पहला यह बाजार समिति को लिया गया है और ये निश्चित रूप से और राज्य सरकार अपने पैसे से इस बाजार समिति को एक मॉडल बाजार समिति बनाने जा रही है और बिहार के लिए नज़ीर होगा। पूर्णिया गुलाबबाग बाजार समिति हम लोगों का बिहार के लिए नज़ीर होने जा रहा है।
उसके पहले भी 17 करोड़ के लागत से उसमें ड्रेन और कुछ कामें चल रहा है, लेकिन ये फेज़ टू में उसको हम लोगों ने 99 करोड़ से भी अधिक के लागत से, क्योंकि निविदा प्रोसेस में है, हो सकता है वो 5-10 करोड़ आगे जा सकता है, 2-4 करोड़ पीछे आ सकता है, लेकिन जो एस्टिमेट है उसका 99 करोड़ की लागत से उसका निर्माण हो रहा है। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुझे लगा कि आज बताना चाहिए हमारे पूर्णिया के कई जनप्रतिनिधि को, पूर्णिया में विकास नहीं दिखाई पड़ता है तो उनके लिए भी है। जब 2014 में हम लोग सांसद बने, मुझे लग रहा कि पूर्णिया में पूरे शहर में 6 लेन सड़क हो गया, पासपोर्ट कार्यालय खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई, विश्वविद्यालय वर्षों से लंबित मांग था उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया, आज मेडिकल कॉलेज हमारा वो हमारा मुझे लग रहा है कि इस वर्ष में पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। निरंतर पूर्णिया विकास की ओर बढ़ रहा है और पूर्णिया के विकास के लिए निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा रहती है और हम लोग निरंतर इसके लिए लगे रहते हैं। अब पश्चिमी बेल्ट का क्या हालत था, आज से 14 के पहले क्या हालत थी, दमदा बरारा बिहारीगंज का क्या हालत था, आज 110 करोड़ के लागत से उसका निर्माण हो रहा है। रुपोली मोहनपुर विजय का क्या हालत था, अकबरपुर का क्या हालत था, जो हमारे पूर्व के नेताओं को विकास नहीं दिखाई पड़ रहा, तो मैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि थोड़ा एक बार चश्मा का नंबर ठीक करा के गाड़ी से घूमना चाहिए कि देखना चाहिए कहाँ पे कितना विकास हो रहा है। हम लोग काम करते हैं, हम लोग हल्ला नहीं करते हैं, ढोलक नहीं पीटते हैं कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो इसलिए जनता समय समय पर सबको सबका ध्यान रखता है। और मुझे और विशेष तो आज कुछ नहीं कहना है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।